बाबरी मस्जिद की शुरुआत होती है मुगल बादशाह बाबर के टाइम से, जब मुगल बादशाह बाबर ने 1928 में एक मस्जिद की स्थापना करी। हिंदू उस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते थे और मस्जिद की जगह पर भगवान राम का मंदिर होने का दावा करते हैं। ये मुद्दा ज़्यादा तब सामने आया जब वहाँ पर एक सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई। 1853 में पहली बार एक सांप्रदायिक हिंसा देखी गई। ये सांप्रदायिक हिंसा 5-6 साल तक चली रही, पर बाद में ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर जो अंदर वाला एरिया था उस पर एक इनर सर्किट लगाकर मुस्लिमों के लिए और इनर सर्किट के बाहर जो हिस्सा था वहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की जगह दे दी। वहाँ इनर सर्किट के अंदर मुसलमान नमाज पढ़ते थे और बाहर पीपल के पेड़ के नीचे हिंदू वहाँ पर पूजा किया करते थे। इसके बाद कई सालों तक ऐसे ही चला रहा, पर यह घटना दोबारा फिर से शुरू हो गई। मस्जिद के अंदर पहली बार भगवान राम की मूर्ति दिखी। इस बात पर मुसलमानों ने काफ़ी विरोध किया और ये आरोप लगाया कि यहाँ पर राम की मूर्ति हिंदुओं के द्वारा जानबूझकर रखी गई है, पर हिंदुओं का ये मानना था कि यहाँ पर राम मूर्ति रखी नहीं बल्कि यहाँ पर राम प्रकट हुए हैं, तो इस जगह पर भगवान राम का मंदिर बनाया जाए। इस तरह से घटना ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वहाँ पर उस इलाके को बंद कर दिया और वहाँ पर जो मस्जिद थी उसका गेट बंद कर दिया। अब ये मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका था। सरकार उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फेल हो चुकी थी और सरकार के हाथ से पब्लिक बाहर जा रही थी। इस वजह से सरकार ने उस मस्जिद का गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में रामलला के पूजा करने के लिए और परिसर में एक मूर्ति रखने के लिए 2 याचिका दाखिल की गई, पर इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद 1959 में तीसरी याचिका दर्ज की गई और इस पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद 1961 में यूपी सुनी बक्स बोर्ड ने एक याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने कहा कि परिसर में जो कब्जा है उसको हटाया जाए और साथ में जो मूर्ति है उसको भी वहाँ से हटा दिया जाए। ये याचिका काफ़ी देर तक चलती रही। उसके कुछ सालों के बाद 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ने एक फैसला सुनाया कि यहाँ पर जो मंदिर के परिसर का ताला है उसको खोल दिया जाए और हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए। इस इजाज़त के बाद वहाँ पर हिंदुओं का आना जाना शुरू हो गया। उन 6 दिसंबर 1992 में वहाँ पर कार सेवकों की एक भीड़ जमा हुई। उस भीड़ ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसको गिरा दिया। इस घटना के बाद वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में काफ़ी दंगे शुरू हो गए और इन दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। इस घटना में अडवाणी जी का नाम सामने आया, जिसमें बीजेपी और अडवाणी जी की काफ़ी चर्चा हुई। ये बात 5-6 सालों तक चली रही। इसके बाद 2001 में स्पेशल जज ने अडवाणी और कल्याण समेत 13 आरोपियों के खिलाफ साजिश का चार्ट हटाया। 2002 में कार सेवकों को लेकर जा रही एक ट्रेन पर गोधरा में हमला हो गया, जिसमें 58 लोग मारे गए। इस घटना के बाद साथ में ही गुजरात में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। ये दंगा एक काफ़ी बड़ा दंगा था, जिसमें बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी सामने आया। इसके बाद कई सालों तक नरेंद्र मोदी जी से भी इस बारे में पूछताछ चलती रही। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें अपने फैसले में विवादित परिसर का 2/3 हिस्सा हिंदुओं के पक्ष में और 1/3 हिस्सा बक्स बोर्ड को सौंप दिया गया। पर इस फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी।
इसी के साथ ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से हटकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पहल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों वाली एक टीम बनाई, जिसमें संविधान के अनुसार एक निर्णायक सुनवाई के लिए एक नींव रखी। 5 जजों की इस बैठक ने 40 दिनों तक लगातार दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। 16 अक्टूबर 2019 को ये सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद एक फैसला निकाला गया और उस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।